जबलपुर में शादी से कथा में परिवर्तित हो गया था 13 साल की बच्ची का मामला। जब इस मामले में मीडिया के कानों में खबर पहुंची तो पूछताछ की गई। आपको बता दें कि जबलपुर के पनाहगर तहसील अंतर्गत ग्राम भरदा में एक माँ बाप ने अपनी 13 साल की नाबालिग किशोरी की शादी सिहोरा निवासी 20 साल के युवक के साथ मंदिर में कर दी थी। ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसकी शिकायत पनाहगर थाने में की गई। वही मामला मझौली थाने का होने के चलते शिकायत मझौली थाने में दर्ज हुई, जहां जानकारी लगने पर पुलिस किशोरी के मां बाप के घर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए उन्हें मझौली थाने में ले जाया गया। वही 13 वर्षीय किशोरी को भी थाने में बुलाया गया, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारियों ने जांच में पाया कि नाबालिग किशोरी की शादी कराई गई है, जिस पर थाना मझौली में प्रतिवेदन देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी मझौली लवकेश उपाध्याय द्वारा बताया गया कि महिला बाल विकास अधिकारी मझौली पार्वती लोधी के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और FIR की गई है। 18 मई को चाइल्ड हेल्पलाइन पर एक शिकायत आई थी कि खापा मऊ में कोई लड़की अंकिता दुबे 13 वर्ष की बालिका की शादी मझौली के कटाव में हुई है, जबकि बालिका पनाहगर क्षेत्र की रहने वाली थी। फिर जांच में ये पाया गया कि बालिका के माता पिता ने पनाहगर थाने वहां पर जांच की गई तो पता चला कि उनने लड़की का विवाह किया गया है। तो फिर आज ये जानकारी प्राप्त हुई है तो मझौली थाने में कटाव क्षेत्र आता है तो आज मामला दर्ज किया गया माता पिता के विरुद्ध। ये मामला अभी जो है हमारे पास जो है पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास परियोजना मझौली के जो है प्रभारी अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 18 को इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि अंकिता दुबे जो 13 वर्ष की हैं, ग्राम भरदा पड़रिया थाना पनाहगर के रहने वाली हैं, इनका बाल विवाह करा दिया गया था। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी मझौली द्वारा जो है ये प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिस पर बाल विवाह अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।